मनी प्लांट के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइजर, इससे अच्छा फर्टिलाइजर कोई नहीं है, चाहे मनी प्लांट है, चाहे जेड प्लांट है, चाहे सिंगोनियम है। यानी कि मेरे कहने का मतलब, जो भी फोलियज वाले जो है पौधे हैं, जिनकी पत्तियां आपको अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, हरी भरी लश ग्रीन और उनकी जो शाइन बरकरार रहे, तो आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधों पे कीजिए, खासकर जो मनी प्लांट है उन पे भी। तो चलिए बात करते हैं क्या फर्टिलाइजर है, हम किस तरीके से पौधों पे उपयोग करें। हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने मेरे मनी प्लांट की तीनों वैरायटी आपको दिखाई दे रही है, साथ में क्या है जेड का पौधा है। जेड प्लांट और मनी प्लांट एक ऐसे पौधे हैं जिनको छोटे से छोटे कंटेनर में हम लगा सकते हैं, छोटे से छोटे डिब्बे में हम लगा सकते हैं और अपने घर को जो है डेकोर जो है कर सकते हैं। और ये दो पौधे ऐसे हैं, बिल्कुल इजी टू ग्रो है, हार्डी पौधे हैं, इनकी केयर के लिए ये जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट की जो है ज्यादा एफर्ट करने की जो है जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, बड़े आराम से जो ये पौधे चलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर्फ हमें खाद देने से जो है, ये नहीं कि हम पौधों को खाद दे दे बस हमारा काम हो गया, कई बार ज्यादा खाद देने की वजह से भी पौधे खराब हो जाते हैं। तो खाद देने के साथ साथ हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये फर्टिलाइजर क्या है आखिर। तो ये फर्टिलाइजर आप देख के समझ गए होंगे, ये जो है ब्लैक टी है, यानी कि टी लीफ फर्टिलाइजर है। किचन से हम अपने डेली रूटीन में पता नहीं कई बार जो है इसका यूज इस्तेमाल जो है करते हैं, तो खासकर मैं ज्यादा चाय पीती हूँ, तो आपका पता नहीं, अगर आप पीते हैं तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो ये है टी लीफ फर्टिलाइजर, तो बनाना बिल्कुल इजी है, जैसे हम बनाना के बाकी जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, अनियन पील, बनाना पील और भी कंपोस्ट ही बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी बनाना है। तो हमें चाय पत्ती ले लेना है एक चम्मच, एक चम्मच चाय पत्ती लेके एक लीटर पानी में मिला देना, अच्छी तरीके से ढक के रख देना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में ये फर्टिलाइजर बिल्कुल बन के रेडी हो जाता है। लेकिन ज्यादा फायदा चाहते हैं तो 3 दिन भी जो है आप इस लिक्विड को जो है रख सकते हैं, लेकिन आपको डेली एक बार जो है अच्छे तरीके से जो है इनको शेक करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। तो ये जो मैं यूज करने जा रही हूँ 24 घंटे के बाद जो है मैं उपयोग जो है पौधों पे करने जा रही हूँ। तो ये सब घर में से ही हमारे बहुत सारे जो ऐसे फर्टिलाइजर जो है निकलते हैं डेली बेसिस पे, जिसका उपयोग करके बिल्कुल फ्री में जो है पौधों को हरा भरा जो है अच्छे तरीके से जो है गार्डनिंग जो है कर सकते हैं बिना किसी जो है खाद के खर्चे से। तो चलिए देखिए बात करते हैं कैसे इस्तेमाल करें इन खाद का। तो बनाना कैसे है मैंने आपको बता दिया। तो ये रहा देखिए लिक्विड, ये बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इनको अच्छे तरीके से पहले हम मिला देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ये बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं। तो अब मिलाने के बाद हम इस लिक्विड को जो है छान लेते हैं। आप जो इसमें जो चाय पत्ती के जो ग्रेनुअल होते हैं आप मत डालिएगा, ऐसे इनको छान लीजिएगा। लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल इस टाइम पे जो है स्ट्रेनर नहीं है, तो मैं क्या है थोड़ी सी वेट करके और जो है इनको लिक्विड को ही सिर्फ निकाल रही हूँ, बाकी जो ग्रेनुअल है इसमें रहने दूंगी। तो हमने इनको छान लेना है, छानने के बाद इस लिक्विड को जो बच जाता है, ये देखिए यहाँ पे जो चाय पत्ती जो बच गई इसका क्या करेंगे। तो इसमें क्या है और दो बार जो है हम सेम प्रोसेस से जो है खाद बना सकते हैं, और उसके बाद भी जो ये लिक्विड जो ग्रेनुअल बच जाएगा वो भी बड़े काम की चीज है। उसको क्या करेंगे हम ड्राई करके और मिट्टी में जो है हम डाल देंगे, तो ये भी बहुत अच्छा जो है एक तो मिट्टी को भुरभुरी बनाएगा और मिट्टी में जो है अच्छे तरीके से जो है फर्टिलिटी जो है प्रदान करेगा। तो ये रहा लिक्विड फर्टिलाइजर। अब ये हमने फर्टिलाइजर ले लिया और इसमें हमने पानी मिलाना है। तो पानी हमने क्या है 5 से 6 या फिर 4 से 5 पार्ट जो है आप पानी मिला सकते हैं। लेकिन अगर ये 24 घंटे के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो, लेकिन 3 दिन के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने पार्ट पानी मिलाएंगे। अगर 3 दिन के बाद आप इस लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो है आपने 8 गुना पानी मिलाना है, यानी कि 1 पार्ट आपने लेना है फर्टिलाइजर और उसमें जो है 8 पार्ट आपने जो है लिक्विड मिलाना है, अगर 3 दिन के बाद इस फर्टिलाइजर का उपयोग जो है पौधों में कर रहे हैं तो। तो फर्टिलाइजर देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया पौधों के लिए, बहुत ही अच्छा सा खाना। अब पौधों को क्या है पिलाने की बारी आती है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पौथोस है, गोल्डन पौथोस है, काफी अच्छे से जो है ग्रो कर रहा है देखिए। और इनकी पत्तियां देखिए, पत्तियां काफी अच्छे से मेंटेन है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इनका कलर है। तो हमने देना कितना है देखिए, 8 इंच का गमला है, अगर गमला बड़ा है आपका तो 300 ml जो है आप जो एवरेज होता है फर्टिलाइजर देने का 300 ml जो है आप दे सकते हैं। लेकिन गमले देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से हैं,
सारे इक्वल साइज के नहीं है, अलग अलग साइज के, तो उसके हिसाब से आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में जो है सभी पौधों को जो है आप पिला सकते हैं। और इसे हमने कब कब देना है, तो आप चाहे तो 20 दिन के गैप पे या ज्यादा से ज्यादा महीने के गैप पे एक बार जो है आप इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है अपने पौधों पे जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे जेड प्लांट है छोटे छोटे से जो है कॉफी मग जो होते हैं उनमें लगे हुए हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े जो है सब में डाल दिए। और ये थोड़ा सा बड़ा कंटेनर तो इसमें थोड़ा सा बड़ा डाल देंगे, और ये 8 इंच का है तो इसमें थोड़ा सा कम पड़ गया, लेकिन और दोबारा से बना के मैं दोबारा से जो है मैं इसमें डाल दूंगी। हमने खाद दे दिया, अब इसमें हम जानते हैं कि आखिर जो हमने खाद दिया उसमें हमने क्या चीज दी, कौन से पोषक तत्व जो है पौधों को मिलेगा। तो जो पोषक तत्व तो मिलेगा चाय पत्ती से वो है सबसे पहला जो है नाइट्रोजन, जो मुख्य स्रोत होता है, मुख्य पोषक तत्व तो होता है पौधों को बढ़ने के लिए। यानी कि ये देखिए जो भी पौधे मैं बता रही हूँ वो सिर्फ फोलियज वाले हैं, यानी कि लीफी प्लांट है जिनमें सिर्फ पत्तियां आती हैं, उसमें फ्लावर नहीं आते हैं। तो फ्लावरिंग वाले पौधे के लिए भी अच्छा है ये खाद, लेकिन लीफी पौधे पे यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसमें क्या है, पौधों को नाइट्रोजन मिलेगा जिससे पत्तियां अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, पत्तियों का पीला होने की समस्या नहीं आएंगी, इनका जो है कलर होता है पत्तियों का वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। और दूसरा ये जो टी लीव है ये पत्तियों से ही बनता है, तो इसीलिए क्या है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके साथ साथ नाइट्रोजन के साथ साथ पौधों को जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो इस तरह से जो है पौधों को जो है ये पोषक तत्व जो है मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि खाद देने से सिर्फ नहीं काम चलेगा, पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए हमें और भी जो है काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम तो है कटाई छटाई। तो ये छोटे से मटके में लगा हुआ है मेरा मनी प्लांट गोल्डन पोथर, जो बड़े अच्छे से जो है ग्रो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रांचेस निकल रहे हैं तो इनको हम कट कर देते हैं, और बिल्कुल हमें सेंटर से यानी कि बिल्कुल जड़ के पास से कट करना है, ताकि जो भी ब्रांचेस आए बिल्कुल सेंटर से आए, ताकि इनका जो ज्यादा गैप से कट करके ना करें, बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे तो ऐसे ही जो शेप मेंटेन रहेगा। तो कटाई छटाई जो हमें करना पड़ता है टाइम टू टाइम, और जो कटाई करते हैं जैसे हमने काटा यहाँ पे देखिए, अब इस तरीके से इन कटिंग को हम फिटेंगे नहीं, अलग से जो है हम लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या है मैं इन कटिंग को लगा लेती हूँ। तो हम चाहे तो सिंगल लिप से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, क्योंकि मनी प्लांट में एरियल रूट होते हैं, सिंगल लिप से भी आसानी से जो है ये कटिंग जो है इनकी जो है चल जाती है। तो यहाँ पे देखिए पहले से मेरे जेड प्लांट के जो है पौधे मैंने लगा रखे हुए हैं दो, और इसी में साइड में जो है जो मनी प्लांट है इसकी भी जो है मैं कटिंग लगा देती हूँ। अब जैसे जैसे बड़े होंगे, जैसे जैसे कुछ आइडिया होगा, तब क्या है हम इनकी कटिंग को निकाल के अलग से सेपरेट जो है लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या है पौधों की जो है कमी जो है नहीं जो है फील होती है। और मनी प्लांट की बात करें तो वास्तु टिप्स है कि मनी प्लांट को क्या है ऐसे हम मानना है, मेरा मानना नहीं है, ऐसा मानना है कि हमें किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से गिफ्ट लेना चाहिए। अगर आपको मनी प्लांट चाहिए तो आप परचेज करके लेके आइए नर्सरी से, और ना ही मनी प्लांट को जो है चुरा के लगाना चाहिए। ऐसे माइथ है कि चुरा के लगाने से अच्छा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, चुरा के आप प्लीज ना लगाए, आप खरीद के ही मनी प्लांट के जो है पौधे को लगाए। चुरा के लगाने से इससे क्या है घर में जो है निगेटिविटी का जो है वास होता है, तो अच्छा होगा कि आप पैसे दे के जो है आप इनकी जो है पौधे लगाए। और यहाँ पे देख रहे हैं आप छोटे छोटे से जो है सॉफ्ट ड्रिंक के जो बोतलें होती हैं उनको क्या है मैंने हैंगिंग प्लांट बना रखा है। और देखिए जो भी थोड़े बहुत पत्तियां खराब है, डैमेज है, या जिनकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई है उनको जो है मैंने कट कर दिया। तो इस तरीके से भी जो है थोड़ी बहुत जो सॉफ्ट प्रून जो है करना बहुत जरूरी है, तभी इसकी जो है ग्रोथ अच्छे तरीके से जो है चलती है। और जो तीसरा काम करना है मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं इनको कभी गंदा नहीं रखें, यानी कि इनके साफ सफाई रखें, अच्छे तरीके से पत्तियां को क्लीन रखें, तब भी ये जो है अच्छे तरीके से जो खाना बनाने में सक्षम होंगे। नहीं तो पत्तियों पे क्या है डस्ट बना रहेगा, तो सारा जो सर्कुलेशन होता है पत्तियों का, जो सारा सिस्टम मेंटेन होता है वो पत्तियों के थ्रू ही होता है पौधे की। तो पत्तियां साफ रहेगी तो क्या है पौधा जो है अच्छे तरीके से हेल्दी ग्रो करेगा, अच्छे तरीके से शाइन करेगा। तो आप दिन में एक बार मिस्टिंग कर ले, ज्यादा इसमें गंदगी फैल गई हो तो आप कॉटन क्लॉथ से जो है इनकी लीव्स को जो है आप क्लीन करें, यानी कि इनको बिल्कुल पत्तियों को जो है क्लीन रखें। और जो लास्ट में क्या फॉलो करना है हमने, कई बार क्या होता है कि इनकी जो पत्तियां सूख जाती हैं तो येल्लो से हो जाती हैं, तो आप उनको जो पौधे में ना रखें, निकाल के जो हटा दे, नहीं तो इससे भी क्या होता है फंगस वगैरह लग जाते हैं, तो इससे भी पौधे की जो है कंडीशन खराब हो जाती है। और लास्ट में जो सबसे जो मेन पॉइंट है वाटरिंग,
मनी प्लांट को हमेशा ओवर वाटरिंग कभी ना करें, यानी कि भर भर के पानी ना दे। आप चेक करें कि पानी जो है गमले में खड़ा तो नहीं हो रहा। इससे क्या होता है, इनकी जड़ें जो है गलने शुरू कर देती हैं और पौधा जो है खराब होने लगता है, पीला होने लगता है, इनकी जो स्टेम होती है येल्लो होने लगती हैं और ऐसे करके जो है ब्राउन होकर जो है खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं कई बार। तो इनको मिट्टी जो है बिल्कुल मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, यानी कि जो है मिट्टी में नमी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन क्या है हमेशा जो है गीली नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप इनके लिए मिट्टी बनाए, बिल्कुल वेल ड्रेन जो है पोरस जो है सोयल बनाए, आप चाहे तो आप एक पार्ट कंपोस्ट और एक पार्ट जो है खाद ले सकते हैं। सबसे अच्छा जो है बिल्कुल लाइट मीडिया है, अगर आप इस जो है मीडिया में आप पौधे को लगाते हैं तो काफी अच्छे से जो है ग्रो करता है। लेकिन आप इक्वल पार्ट दूसरा जो सोयल मीडिया है, इक्वल पार्ट आप तीनों का ले लीजिए, सैंड, कंपोस्ट और जो है नॉर्मल गार्डन सोयल, इसमें भी जो है आप पौधे को लगा सकते हैं। दोनों ही मीडिया को आप यूज कर सकते हैं और इसमें जो है मिट्टी को जो है आप मॉइस्ट करके रखिए और दिन में एक बार मिस्टिंग तो आपने कर, जब भी पानी दे ऊपर से मिस्टिंग करके जो है इनको पानी दे दे नहला के। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।